नमस्कार खम्मागणी दोस्तों, मैं हूं कौशल यादव और आप देख रहे हैं 91 ट्रक्स। मेरे पीछे है आइसर का प्रो 2055, इंडिया का पहला 12 फिट का ऐसा ट्रक जो कि ईवी के अंदर आता है, यानी कि ये बिजली से चलने वाला बैटरी ऑपरेटेड एक व्हीकल है जो कि ई कॉमर्स के लिए सबसे परफेक्ट साबित होगा। अभी तक देश के अंदर सिर्फ टाटा ए सी वी चल रहा था जो बहुत नाम पकड़ रहा था, और छोटे से कमर्शियल के अंदर टाटा ए से बड़ा दोस्त भी है, लेकिन अभी आइसर का ये जो ट्रक है ना, इस सेगमेंट का कोई भी ईवी का व्हीकल फिलहाल प्रेजेंट नहीं था मार्केट में। उस गैप को फिल कर दिया आइसर ने 2055 ईवी के साथ। कलर देख रहे हो, मेटालिक ब्लू कलर है, बहुत ही प्यारा कलर जो है मुझे इस गाड़ी का दिख रहा है। सामने आपको आइसर की ब्रांडिंग मिलेगी, आइसर का आपको घोड़ा मिलेगा, जीरो एमिशन की बैजिंग, ईवी की बैजिंग, और यहाँ पर आपको ये मिलता है, इसको पकड़कर ऊपर चढ़कर आप जो है विंडशील्ड वगैरह साफ कर सकते हैं, लाइट्स वगैरह जो आपको हैलोजन मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर एक ये DRL है, ये यहाँ पे ये DRL रन करती है। सामने से इसके अंदर कुछ नहीं मिलता, ईवी की गाड़ी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बैटरी कितनी मिलती है, 64.4 किलोवाट की जो इसके अंदर बैटरी मिल रही है, जो कि आपको चार्ज होके मिलेगी 7-8 घंटे के अंदर, लगभग जो है 7.2 किलोवाट के चार्जर से चार्ज होएगी। बैटरी की प्लेसमेंट दिखाता हूँ आपको, कहाँ पर है बैटरी आपकी लगी हुई है, यहाँ पर लगी है 32.2 किलोवाट की बैटरी, और जस्ट इसी के अपोजिट उधर 32.2 किलोवाट की एक और बैटरी, मतलब कि बैटरी को दो हिस्सों में बांटकर आधा वजन इधर आधा वजन जस्ट उधर लगाया गया। ये जो बॉडी है इसकी हाइट देखिए एक बार आप, इसको लगभग 700 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी के साथ देख सकते हैं। इस कंपोजिट जो बॉडी आपको मिल रही है ये, इसके अंदर दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको स्टेनलेस स्टील की बॉडी भी जो है इसके अंदर मिलेगी आपको, और उसका थोड़ा पेलोड कम होगा। वैसे पेलोड की बात करूँ तो 2.2 टन का जो पेलोड ये गाड़ी देती है, 5.5 जो इसका GVW निकल के आता है। पीछे आ जाओगे तो आपको इसके हाइट के साथ, जैसे मैं बोल रहा था कि इसके अंदर मैक्सिमम हाइट मिलती है गाड़ी के अंदर, तो आप इसको सीधा 14 फीट की जो बॉडी आती है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। खोल के अगर मैं आपको दिखाऊँ इसको, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो आपको दे रखा है इसके अंदर, ये काफ़ी टाइट है इसको ओपन करना भी, तो मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ कैसे है इसकी बॉडी और इसका अंदर से कैसा है। अब देखो, ई कॉमर्स के लिए परफेक्ट एक तरीके से हो जाता है व्हीकल, एकदम फ्लैट है और एकदम हाइट के लिए है, काफ़ी अच्छी हाइट जो गाड़ी के अंदर निकल के आती है। पीछे आपको ये क्रैश बार जरूर मिलता है गाड़ी के अंदर, 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं आपको गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये सरकारी नियम है, उस हिसाब से आपको चारों पार्किंग सेंसर गाड़ी के अंदर मिल रहे हैं। स्टेपनी आपको गाड़ी के अंदर नीचे मिल रही है, थोड़ा एक्सेस करना स्टेपनी को मुश्किल होगा कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर। जैसे कि बताता हुआ चल रहा था, चार्जिंग की इंफ्रा जे हिसाब से जो गाड़ी है वो काफ़ी अच्छी और कारगर रहेगी टायर वन सिटीज़ के अंदर, और ई कॉमर्स के वाहनों के लिए, ई कॉमर्स के लिए बेहतरीन गाड़ी निकल जाएगी। चार्जर की बात करूँ, 7.2 किलोवाट का चार्जर मिलता है, और एक चार्जर और मिलता है आपको 30 किलोवाट का DC चार्जर, और उससे आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी 7-8 घंटे में 7.2 किलोवाट से, और 30 वोट वाले चार्जर से सिर्फ 2 घंटे के अंदर जो है आपकी गाड़ी जो है फुल चार्ज हो जाएगी है। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ, 162 किलोमीटर की जो रेंज जो है क्लेम की गई है इसके अंदर, और वो लगभग निकल के आती है 120-125 किलोमीटर के आसपास। इंटीरियर अगर आप देखोगे इसका, तो कुछ ऐसा सा इंटीरियर मिलता है, इसका जो डोर है वो काफ़ी वाइड ओपन होता है। डोर के अंदर आपको यहाँ बोतल वगैरह रखने के, मैगजीन वगैरह रखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे कोई आपको पावर विंडो वगैरह का ऑप्शन नहीं, लेकिन ऐसा लिखता है कि पावर विंडो का ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ से गेट बंद करने के लिए, और यहाँ पर आपको विंडोज़ को रोल अप और रोल डाउन करने के लिए। गाड़ी के अंदर AC आपको नहीं मिलता, ये इकलौती कमी जो मुझे फिलहाल इस गाड़ी के अंदर लग रही है वो है। 125 BHP जो है गाड़ी निकाल के देती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। 310 NM का जो है गाड़ी टॉर्क निकाल के देती है, जो कि काफ़ी अच्छा टॉर्क है इस सेगमेंट के हिसाब से। आप यहाँ पे देखेंगे तो वैसे ये बैटरी की है ना, यहाँ पे आपको कनेक्शन वगैरह दिखेंगे, काफ़ी कुछ जो आपको ओपन और एकदम खुला दिखेगा, टेंशन लेने की बात नहीं। IP67 रेटेड जो है बैटरीज और मोटर वगैरह जो आती है इसकी, तो उससे अंदर जो है आपको पानी वानी से जो है गाड़ी ख़राब होगी नहीं। मेरी हाइट 5'10" है, और इसके अंदर जाना बाहर आना कितना मुश्किल है आप देख के मुझे जज कर सकते हैं एक बारी। ये गाड़ी का स्टैंडर्ड वेरिएंट है, तो इसलिए आपको इसके अंदर कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह जो है फिलहाल नहीं दिखेंगे। इंटीरियर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको और कैसा कैसा दिखता है वो दिखाता हूँ। कुछ ऐसा सा आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है, और आप इस स्टीयरिंग व्हील को टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तरीके से जो है आप एडजस्ट कर पाओगे। AC गाड़ी के अंदर नहीं मिलता, सिर्फ ब्लोअर्स मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है, हेडलाइट एडजस्टर मिलते हैं, 2 DIN का म्यूजिक सिस्टम मिलता है जो कि अनब्रांडेड है, कोई आइसर वगैरह की ब्रांडिंग इसके अंदर नहीं मिलती। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत स्पेस वगैरह मिलता है, ये यहाँ पर आपको एक इतना स्पेस और मिल जाता है। सन वाइजर जो है आपको इधर कस्टमर के लिए नहीं मिलता, पैसेंजर के लिए यहाँ पर आपको लाइट वगैरह का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है ये सन वाइजर, इसके अंदर कोई टिकट वगैरह होल्डर वगैरह आपको यहाँ पर नहीं मिलता। और जो आपका गेयर बॉक्स है वो इस गाड़ी का काफ़ी खास बनाता है, क्योंकि ये गाड़ी रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव इसी के अंदर आती है। यहाँ से आप इसको थोड़ा बहुत मोड वगैरह बदल सकते हो, और आपको गेयर आपका अपने ड्राइव में लगाया, और आपने यहाँ से लिया एक्सेलरेटर और आप चल दिए सीधा। अब इस गाड़ी के अंदर कोई क्लच नहीं आता, तो इधर वाला जो सेगमेंट है वो एकदम खाली है,
एक्सेलेटर ब्रेक, एक्सेलेटर ब्रेक, दैट्स इट इस गाड़ी के अंदर, और कुछ एक्स्ट्रा जो फिलहाल इसके अंदर नहीं है। ड्राइवर प्लस टू की पासिंग इस गाड़ी के साथ आएगी। फिलहाल हेडरेस्ट आपको एक ही नज़र भले ही आ रहा हो, बट ड्राइवर प्लस टू की पासिंग आपको गाड़ी के अंदर मिलेगी, गियर आपको यहाँ मिलता नहीं है। तो किसी इस प्रकार से इसका इंटीरियर थोड़ा सा इंटीरियर के अंदर और बेहतर करा जा सकता था। आईसर के इंटीरियर के साथ एक यही शिकायत रहती है कि थोड़ा फीका फीका सा जो है इंटीरियर नज़र जरूर आता है इस गाड़ी का। तो कुछ ऐसे से दिखती है आईसर प्रो 2055। अगर आपको कोई और सवाल हो इससे तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।